गाजा और इसराइल के बीच ये जो युद्ध है वो और ज्यादा भयंकर होता जा रहा है, और ज्यादा वॉर एग्रेसिव होती चली जा रही है, और एक साथ कई वॉर फ्रंट भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट अब धीरे धीरे युद्ध की आग में जलने लगेगा। लेकिन क्योंकि इसराइल इस वक्त मेन एपिसेंटर बना हुआ है इस युद्ध का, ऐसे में हम सीधा रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी नीरज कुमार जो कि वहां पर मौजूद है और ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं उनका। हम रुक करेंगे, नीरज से ही बात करेंगे और जानेंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। नीरज, 22वां दिन है आज और कल तक हमने रॉकेट के सायरन सुने थे, आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही है, महज 5 मिनट पहले एक रॉकेट छोड़ा गया हमास की तरफ से उत्तरी गाजा से इजराइल की सीमा के अंदर, यानी गाजा इनवेलप, जिसे गाजा इनवेलप यानी गाजा बॉर्डर से 7 किलोमीटर के अंदर की सीमा है, उस पर फेंका गया एक रॉकेट, पहला रॉकेट आज का है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि शिफा अस्पताल को लेकर इजराइल सरकार आईडीएफ की तरफ से जो दावे अब तक किए जाते रहे उसके बारे में दो सबूत दिया है आईडीएफ ने, दो आतंकवादियों से पूछताछ के सबूत दिए जिसमें वो और नीरज, ये एक बड़ी खबर है, ये एक एक्सक्लूसिव खबर भी है जो आप पूरी दुनिया के सामने पहुंचा रहे हैं। किस तरह से हमास के आतंकी ने खुद कबूल किया कि शिफा अस्पताल के नीचे हमास का एक तरह से अब हेडक्वार्टर बन चुका है, पूरी प्लानिंग वहां से रची जा रही है जो हम पूरी दुनिया को दिखा भी रहे हैं, इस राज को फाश कर रहे हैं। लेकिन क्या और इससे जुड़ी जानकारी जो खुद आतंकी कबूल कर रहे हैं? देखिए, आतंकवादियों से पूछताछ का मकसद ये था इनकी तरफ से, इजराइल सरकार की तरफ से, इजराइल की सेना की तरफ से, कि वो बताएं कि शिफा के तौर पे जो दावे किए जाते रहे, इससे पहले आपको याद होगा जिस अस्पताल के गाजा पे हमला हुआ था उसका आरोप इजराइल पे लगा था, इजराइल नहीं चाहता कि नागरिकों की जान जाए तो इजराइल पर आरोप लगाए पूरी दुनिया। तो ऐसे में शिफा अस्पताल पे जो दावे किए गए थे, जो वीडियो जारी किया गया था, जो ग्राफिक्स डाले गए थे, जो इन्फो दिया गया था, जो आंकड़े बताए गए थे, उसके पक्ष में इन दोनों आतंकवादियों का वीडियो जारी किया गया है अंग्रेजी में, उनसे दूसरी भाषा में बातचीत हो रही है लेकिन अंग्रेजी में उसका ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है जिसमें वो कबूल कर रहे हैं कि हमास के एक्टिविटी के तौर पे शिफा अस्पताल का इस्तेमाल हो रहा है। और आपको याद होगा कि ये भी बताया था कि सबसे बड़ा अस्पताल है, थोड़ी देर पहले हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखा कि 1500 बेड है, इसके अलावा 4000 स्टाफ वहां काम करते हैं, तो कितना बड़ा अस्पताल है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और उसे आतंकी ठिकाने के तौर पे इस्तेमाल करता है हमास, ये दावा इजराइल की तरफ से किया गया और उस दावे की पुष्टि के लिए दोनों आतंकियों के सबूत रखे गए हैं। नीरज, जिस तरीके से आप हमें लगातार बता रहे हैं कि वहां पर आतंकी छिपे हुए हैं, इसराइल की ओर से भी दावा किया जा रहा है, और ऐसे में क्या ये समझा जाए कि अलशिफा अस्पताल अब हमास के आतंकियों के लिए एक सेफ हाउस बन गया है? देखिए, सेफ हाउस, बंकर, शेल्टर इस तौर पे इस्तेमाल करते हैं लेकिन वहां आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले सामान भी रखते हैं, अलग अलग बंकर है वहां, बड़ा अस्पताल है। उत्तर गाजा में बहुत तेज हमला कल से ही किया है इजराइल के आईडीएफ ने और देखना होगा कि कब तक वो शिफा अस्पताल पे कब्जा करते, क्योंकि अभी जो आतंकवादी पकड़े गए उनका लोकेशन नहीं बताया गया कि वो पकड़े कहां से गए, गाजा से तो पकड़े गए, शिफा अस्पताल से पकड़ने का कोई दावा नहीं किया गया, लेकिन उस लोकेशन यानी शिफा अस्पताल का इस्तेमाल ये आतंकवादी और हमास करते होंगे इस बात की जानकारी जरूर उन आतंकवादियों ने दी है। लेकिन आने वाले वक्त में जैसे जैसे गाजा के और अंदर आईडीएफ की सेना बढ़ रही है, कल नेतन्याहू ने जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनकी सेना जो है गाजा की धरती पर है, लड़ाई अब अंदर में हो रही है, गाजा की धरती पर हो रही है। तो ऐसे में अब गाजा के अंदर आगे बढ़ती रहेगी रॉकेट और मिसाइल, कल तेल अवीव में दागे गए, आज एक पहला मिसाइल थोड़ी देर पहले दागा गया, उनकी तरफ से रेजिस्टेंस जो है वो कमजोर होता जा रहा है और इजराइल की सेना कह सकते हैं कि लगातार गाजा के अंदर आगे बढ़ती जा रही है।